तो बच्चों, आज मैं तुम्हें मेरी कहानी सुनाने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मैं पैदा होते इतनी बड़ी जायंट हल्क शार्क में कन्वर्ट हो गया था? नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत देर लगी थी। जब मैं जन्म हुआ था तब मैं इंसानों के परिवार में था। मैं एक बहुत ही ज्यादा शैतान और बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा था। मैं मेरे माँ बापों को बहुत परेशान करता था। और अब बताओ, वहाँ से नीचे आ जा, हम तेरे को यहाँ पे बोर्ड पे घुमाने लेकर आए थे जिससे तू पढ़ाई करके यहाँ पे होमवर्क कर ले। ऊपर क्यों नाच रहा है? तूफान आने वाला है, अंदर आ जा पानी में गिर जाएगा। अरे कितना शैतान बेटा है मेरा, मेरी कोई भी बात ही नहीं सुनता। अरे मम्मी, मुझे तुम लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं तो देखो गाइस, कितना हैंडसम गोल्डन कलर का हूँ। भले मैं ना गोल्डन हल्क नहीं हूँ, एक इंसान का बेबी हूँ, पर फिर भी मैं तो बहुत ज्यादा घमंड करूंगा। मेरे को तो जो मन करेगा वो करूंगा, पार्टी करूंगा पूरे दिन। अरे बेटा प्लीज पार्टी कर मत यार, तो नीचे आ जा, तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा पानी के अंदर, यहाँ पे तूफान आने वाला। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो तुम जैसा कि देख सकते हो, मैं बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा था। पूरे दिन यहाँ पे मेरी बोट पे पार्टी करता रहता था। मेरे मम्मी पापा की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता था। अरे पार्टी करो पार्टी। और जैसा कि मम्मी पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि यहाँ पे है ना बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। और देखो मौसम तो बिगड़ने भी लग गया था। अरे यार, ये मम्मी पापा ने बोला था यार मौसम बिगड़ रहा है, फिर मौसम बिगड़ने भी लग गया। पर गाइस, मैं तो इतनी बड़ी बोट पे हूँ भाई, इतनी बड़ी बोट पे थोड़ी सा कुछ हो सकता है। यहाँ पे देखो थोड़ी पिज्जा बर्गर सैंडविच कड़े उनको खा लेता हूँ। अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। नहीं आऊंगा मैं तो अंदर, मैं तो इधर बाहर ही खेलूंगा। देखो कितना मजा आ रहा है, बल्ले बल्ले शावा शावा। अरे ये देखो यार, बरसात भी चालू होगी, पर कोई बात नहीं गाइस। देखो यार, इतनी बड़ी बोट है, थोड़ी सी बरसात से क्या होगा। अरे बेटा मान बात, अंदर आ जा, बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है। अरे नहीं यार, यहाँ पे तो देखो बारिश आ रही है, मैं तो पानी में छैया छैया करूंगा, छैया छैया। अरे गाइस एक सेकंड यार, ये देखो यार, यहाँ पे तो है ना थोड़ा सा है ना वेदर ज्यादा खराब होता जा रहा है। बेटा अंदर आ जा। अरे बोल दिया ना अंदर नहीं आऊंगा, मैं तो ऊपर खेलूंगा। बोल दिया मतलब ऊपर खेलूंगा। गाइस देखो थोड़ा सा हाइट पे चला जाता हूँ। अरे बाप रे गाइस, देखो बहुत ही ज्यादा है ना बारिश होने लगी है, पर देखो क्या मजा आ रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इंटरनेट के लिए एक वीडियो बना लेता हूँ, सब जन मैं तो फेमस हो जाऊंगा कि यार देखो कितना मस्त बच्चा अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा, और यहाँ पे है ना बारिश में भी बाहर खड़ा है। अरे गाइस ये देखो भाई क्या हो रहा है यार, थोड़ी थोड़ी है ना बोट हिलने लग गई है। कोई बात नहीं, चलो मैं तो मेरा फोन निकालता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो इतना अमीर हूँ। अरे एक सेकेंड, ये क्या हो गया? अरे लगता है ये बेटा तो पानी में गिर गया। गाइस नहीं 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 नहीं, मैं पानी में गिर रहा हूँ। और क्या हो गया? अरे अपना बच्चा पानी में गिर गया, उसको बचाने जो। पापा बताओ, मुझे बताओ। ओए पुत्र जी, किधर गिर गया भाई? इतना तेज थंडर हो रहा है, हम पानी में नहीं कूद सकते। यहाँ पे तो लाइफ बोट भी नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। अरे मेरा बेटा डूब के मर जाएगा। ओए प्यारी, अब कुछ नहीं कर सकते, अपना पुत्र तो हाथ से चला गया है। अरे गाइस ये देखो, मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे पे गिव अप कर दिया यार, पर उनकी भी गलती नहीं। यहाँ पे इतना तूफान आ रहा है, मुझे अंदर चले जाना चाहिए इनकी बात मान के। ओए प्यारी तू अंदर चल, वरना अपने भी गिर जाएंगे यार यहाँ पे पानी में। अरे नहीं मेरा प्यारा बेटा। तो बच्चों जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं मेरे बचपन में पानी में गिर गया था, और यहाँ पे अब मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं था। पर तभी भगवान के एक फरिश्ते के जैसे मेरी दूसरी मम्मी आई, जो एक्चुअली में एक शार्क हल्क थी। क्या हो रहा है यहाँ पे है ना, मुझे एक बच्चे की खुशबू आ रही है। यहाँ पे पानी में किसी का बच्चा गिर गया है क्या? पता नहीं, मुझे जल्दी से देखना पड़ेगा। कहाँ पे हो बच्चे, कहाँ पे हो? इतने ज्यादा तूफान में तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। एक सेकेंड, ये रहा वो बच्चा। ये मेरी मम्मी थी जिसने मुझे बचाया, और इन्होंने मुझे बचा के मेरी जान बदल दी। ये तो कोई इंसान का बच्चा है, अब यहाँ पे इतने खड़े पानी में कहाँ से आ गया? मुझे इसको बचा के मेरे घर लेके जाना पड़ेगा। और ये देखो, मेरी मम्मी ने उस दिन मुझे बचा लिया। अगर वो मेरी जान ना बचाती तो शायद मैं वहीं पानी में डूब के मर जाता। उन्होंने मुझे उस पानी से बचाया, और खतरनाक तूफान में बहुत ही ज्यादा घंटों तक स्विमिंग करते हुए स्विमिंग करके अपने सीक्रेट आइलैंड तक लेकर आई। और अब मेरी आगे की कहानी सुनो। अरे एक सेकेंड, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? अरे तुम कौन हो? तुम मुझे खाने वाली हो क्या? तुम तो एक शार्क जैसे लग रही हो। अरे नहीं बच्चे, तुम पानी में गिर के बेहोश हो गए थे, इसके लिए मैं तुम्हें बचा के मेरे आइलैंड पे लेकर आई हूँ। यहाँ पे तुम एकदम सेफ रहोगे, तुम चिंता मत करो। अरे मुझे पानी में ले गए, मुझे सांस नहीं आ रही। अरे हाँ हाँ माफ करो, मैं भूल गई थी, तुम तो एक इंसान हो, और इंसान पानी में सांस नहीं ले सकते। अरे पर तुम हो कौन यार? अरे बच्चे मैं तुम्हारी नई माँ हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़ के चले गए, उन्हें लग रहा है कि तुम मर चुके हो। अब तुम मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ रह सकते हो। ये देखो, ये है तुम्हारी न्यू फैमिली, ये है मेरे हस्बैंड, ये है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंग गोल्डन हल्क, ये है मेरा
छोटा सा प्यारा बच्चा जो तुम्हारा नया छोटा भाई होगा, और ये है नए तुम्हारे अंकल मेरे हस्बैंड के बड़े भाई। ये सबसे ज्यादा डेंजरस और खतरनाक गोल्डन हल्क शार्क है। ये किसको लेकर आ गए? हल्क शार्क के आइलैंड पे इंसानों को लाना अलाउड नहीं है, पता तो है तुम्हें रूल्स। इंसान बहुत बुरे होते हैं, हमको मार के हमको खाना चाहते हैं। हम हल्क शार्क का मीट उनको बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ प्यारे, सही बोला, क्यों लेकर आए? अरे भाई मम्मी किसको लेकर आयो? मेरे लिए नया भाई लेकर आई हो क्या? हाँ हाँ, शायद से मैं तुम लोगों का नया भाई हूँ। सही बोला ना मेरी नई मम्मी? अरे हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी एक हल्क शार्क में कन्वर्ट कर दूंगी। तू बहुत ज्यादा खुश रहेगा यहाँ पे हमारे आइलैंड पे एकदम सब। अरे मैं इसको कभी भी हमारे परिवार में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अगर मेरी वाइफ इसको लेकर आई ठीक है तो मैं इसको मेरा बेटा तो मान लेता हूँ, पर कभी इसे दिल से प्यार नहीं करूंगा। मुझे तो एक बड़ा भैया मिल गया, बड़े भैया। ओके गाइस, ठीक है यार, चलो आई थिंक यार अब यही लोग मेरी फैमिली है, इन लोगों के साथ ही मुझे रहना पड़ेगा। ऐसे तो ये सब लोग जन बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, पर मुझे मेरे असली मम्मी पापा की याद आ रही है। पर यार मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे पानी में से गिरा था। और लॉस सैंटोस देखो यार कितना बड़ा सिटी है, मैं कहाँ पे यहाँ पे समुंदर में खोया था हजारों किलोमीटर दूर। मुझे पता नहीं यार मेरे असली मम्मी पापा क्या है, मैं तो उनका नाम वाम भी भूल गया हूँ। मैं इतनी देर तक पानी के नीचे था ना, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। बेटा कोई बात नहीं, तू बड़ा होगा तुझे सब याद आ जाएगा, तब तक तू हमारे साथ रह सकता है। ठीक है ठीक है, पर तू कोई भी इंसानों को यहाँ पे लेकर आया गंदे इंसान, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। भैया चलो चोर पकड़ पुलिस खेलते हैं। ओके गाइस, तो देखो यार तुमने मुझे पहचाना क्या? यार मैं वही बेबी हूँ जिसको है ना बहुत साल पहले है ना मेरी मम्मी शार्क ने रेस्क्यू किया था। अब गाइस देखो यार मैं ये शार्क की फैमिली के साथ ही रहता हूँ, हल्क शार्क की। पर यार देखो मैं तो एक शार्क में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कोशिश करी इन लोगों ने। तो अब यार मैं तो पानी में ज्यादा तेजी से स्विम नहीं कर सकता ना, इसके लिए मेरी मम्मी ने मुझे जेट्स की दिलवाई है। अब यार ऐसे तो मुझे जेट्स की चलाना बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पापा और मेरे अंकल को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि यार मैं है ना एक स्ट्रांग हल्क शार्क नहीं बन पा रहा हूँ, और है ना मैं पानी में स्विमिंग भी नहीं करता। और तो और मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा सैड बात बताऊँ यार, रुको यार मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ पे जाके यहाँ पे है ना मेरे को जब भी आइलैंड पे जाता हूँ ना, तब यार मेरे को एक मास्क पहनना पड़ता है, एक शार्क हल्क बनने का नाटक करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे जो अंकल है ना ये वाले, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि है ना एक इंसान इनके साथ रहता है। अरे वो मनोज अभी फ्रैंकलिन को बाजार काम से भेजा था, अभी फिर से आ जाएगा। अगर वो बिना अपना शार्क का मास्क पहने मेरे सामने दिख गया तो आज तो मैं उसे बहुत चाटे मारूंगा, बहुत चाटे। मुझे उसकी मनोज शक्ल देखनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सुना तुमने यार मेरे अंकल ने क्या कहा यार, वो मेरी शक्ल देखना बिल्कुल पसंद भी नहीं करते। इसके लिए देखो गाइस है ना मुझे है ना मेरी मम्मी ने ये वाला शार्क मास्क दिलवाया, ये वाले मास्क पहन के ऐसा लगता है कि मैं भी एक हल्क शार्क हूँ। इसके लिए यार ये लोग मुझे है ना एटलीस्ट ये आइलैंड से भगाते नहीं है, अब क्या करूँ यार। चलो कोई बात नहीं, मम्मी से बात करने जाता हूँ। मम्मी मम्मी मैं आ गया। अरे बड़े भैया आ गए, मेरे बड़े भैया आ गए। अरे मेरे छोटे भाई कैसा है? अरे फ्रैंकलिन पुत्र, जो बाजार से सामान लाने के लिए बोला था लेकर आया क्या तू? अरे पापा जी नहीं ला पाया यार, सॉरी माफ कर दो, वो है ना पैसे खत्म हो गए थे। अरे तुझे बोला था पैसों की अपने पास कोई कमी नहीं है, तू देख मुझे, मैं पूरा सोने का बना हुआ हूँ, मेरे दांत भी सोने के, यार हमारे पास बहुत पैसे है, तू ऐसे क्यों काम करता, नाक कटवाएगा किसी दिन हमारी। अरे प्लीज मुझे माफ कर दो यार, प्लीज माफ कर दो। अरे तुझे तो पता नहीं क्यों ये आइलैंड पे रख रखा है, सिर्फ ये मेरा छोटा लड़का तेरे से प्यार करता है, और यार मेरी बीवी ने बोला इसलिए तुझे आइलैंड पे रख रखा है, वरना तुझे तो यहाँ से कब का भगा दिया होता। अरे हाँ गाइस बात सही है, मेरे पापा और मेरे अंकल मुझसे प्यार नहीं करते, पर यार ये मेरा छोटा भाई तो मेरे से बहुत प्यार करता है। हेलो बेबी डॉल कैसा है तू? अरे भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये तुम शार्क का मास्क क्यों पहने हो, हटा दो ना, मेरे को तो अच्छा लगता है तुम्हारी इंसान वाली शक्ल देखना। अरे नहीं नहीं नहीं, पापा और अंकल को नहीं अच्छा लगता, अपने नहीं कर सकते। गाइस देखो यार मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ तुम्हें, यार ये है ना मेरे पापा और मेरे शार्क अंकल मेरे से बात नहीं करते, देखो भी मैं तुम्हें बताता हूँ शार्क अंकल से आके बात करके। हेलो जी, हेलो अंकल जी कैसे हो? तेरी शक्ल यहाँ पे क्यों दिखा के आ रहा है, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। तो गाइस देखो यार प्लीज तुम लोग है ना कमेंट सेक्शन में मेरे अंकल और पापा को बोलो कि यार ये लोग मुझे थोड़ा सा तो प्यार करे, ऐसे है ना मुझे पूरे दिन डांटते रहते अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकलिन तू एक असली शार्क नहीं है, इसके लिए मैं तुझे कभी प्यार नहीं करूंगा। अरे नहीं मैं भी एक असली शार्क हूँ यार, मेरी बात क्यों नहीं मानते? अरे चल ठीक है, तू बोलता है ना तू असली शार्क है, तो एक काम करके बता, सब जनों को कमेंट सेक्शन में शार्क की इमोजी डालने के लिए बता, अगर सब लोग तुझे एक असली शार्क मानते होंगे तो तेरे लिए कमेंट सेक्शन में शार्क की इमोजी डाल देंगे। ओ गाइस देखो इन्होंने मुझे क्या चैलेंज दिया है, देखो अगर तुम मानते हो कि मैं एक असली शार्क हल्क जैसा हूँ तो तुम्हें ना कमेंट सेक्शन में एक शार्क की इमोजी डालनी पड़ेगी। देखो वो तो बहुत आसान काम है, सिर्फ तुम्हें एक शार्क की इमोजी तो डालनी है, डाल दो यार जल्दी से, वो मेरे अंकल जी है ना मेरे यार थोड़ी सी बात मान लेंगे कि यार मैं शार्क हल्क हूँ। अरे देख किसी ने भी अभी तक एक भी शार्क की इमोजी नहीं डाली, तेरी ऑडियंस यानी जो बच्चे तुझसे प्यार करते वही तुझे एक शार्क हल्क नहीं मांगते, तो मैं तुझे क्यों मानूं। अरे हाँ गाइस बात तो सही है, मैं अभी फोर्ड में देख रहा हूँ यार तुम लोगों ने शार्क की इमोजी अभी तक नहीं डाली है, क्या कर रहे हो यार? अगर तुम चाहते हो और तुम मानते हो कि मैं एक असली शार्क हल्क बनूं तो जल्दी से ना शार्क की इमोजी डाल दो बहुत सारी कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी से डाल दो यार, क्या कर रहे हो।
अरे हाँ देख, अभी भी नहीं आई है। अरे नहीं नहीं नहीं, फोन में देखो अभी इमोजी आने लग गई है। क्या इमोजी आने लग गई है? सारे बच्चे एकदम बुद्धू है, तू असली शार्क नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो सर कितनी सारी शार्क की इमोजी आने लग गई है। ओ माय गॉड, आई लव यू गाइस ऑल। यार तुम लोग मुझे हमेशा सपोर्ट दिखाते हो, थैंक यू तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाते हो, थैंक यू। अरे देख फिर भी वीडियो ने को किसी ने लाइक तो नहीं किया ना, तूने नहीं बोला तो? अरे कोई बात नहीं यार, लाइक कर देंगे। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है यार, मौसम फिर से खराब हो रहा है। ओ नो गाइस, यार देखो मौसम खराब हो रहा है। तेरे लिए वीडियो को किसी ने लाइक भी नहीं किया और मौसम भी खराब हो रहा है, अब तो तुझे डर लगेगा ना क्योंकि थंडर होने लगेगा। हाँ गाइस, जब मौसम खराब होता है तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ऐसे ही एक दिन मौसम खराब हुआ था, तब मैं बोट से पानी में गिर गया था ना, तब से मेरी जिंदगी पूरी उलट पुलट हो गई है। मम्मी गाय मम्मी। ओए पुत्र जी, यार मम्मी काम से बाजार गई है, तू जाके काम कंप्लीट करके आ, ठीक है ना? सब जनों ने तेरे लिए वीडियो को लाइक भी कर दिया और कमेंट सेक्शन में शार्क की इमोजी भी डाल दिए तेरे लिए, अब तो तू सच्ची का शार्क बन ही जाएगा। अरे हाँ भैया बन जाओगे, तुम भी शार्क बन जाओगे, चिंता मत करो। अरे यार गाइस, मेरा छोटा भाई और मेरी मम्मी मुझसे प्यार करते हैं, पर यार तुम लोग भी तो मुझसे प्यार करते, तभी तो तुमने है ना इतने सारे शार्क के इमोजी डाले थे कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक भी कर दिया। चलो कोई बात नहीं गाइस, यार अभी है ना मेरे को थोड़ा सा काम कंप्लीट करने जाना है, मैं वो काम करने भी जाता हूँ, पर रुको यार अभी मुझे है ना इंसानों के एरिया में जाना है, तो यार मेरे को है ना यहाँ पे मेरा ये वाला मास्क उतारना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला मास्क पहन के गया तो वहां पे सब मुझे एक शार्क समझेंगे, और यार सच्ची में इंसान होते तो बहुत खराब है यार, वो है ना मुझे पकड़ के मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। चलो यार मैं तो बाजार जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। तकलीफ हो गई, भागो भागो जल्दी से भागो, सब जन भागो, क्या कर रहे हो, मेरी कोई बात क्यों नहीं सुना? ओए प्यारी क्या हो गया, क्यों भागना है? इंसान आ रहे अपने को पकड़ने के लिए, भागो भागो। इंसान कैसे आ रहे, ये तो एक सीक्रेट आइलैंड है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। मुझे वो तो नहीं पता, यहाँ पे बहुत सारी पुलिस की बोट आ रही है, भागो भागो। ये फ्रैंकलिन लेकर आया होगा उन्हें, फ्रैंकलिन। ओके गाइस, ये देखो मम्मी और ने जो भी सामान लाने को बोला था ना, सब मैं सामान तो लेकर आ गया हूँ। चलो बहुत ही ज्यादा ध्यान से है ना, मैं वापस अपने सीक्रेट आइलैंड पे जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे तो देखो मुझे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। एक सेकंड गाइस, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये क्या है गाइस, ये तो पूरी एक सबमरीन है, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो सारी पुलिस की बोट्स भी है, और यहाँ पे देखो मैं हमारे सीक्रेट आइलैंड पे 2-3 टैंक भी खड़े, ये क्या हो गया? रुको मैं यहाँ बाजू वाले आइलैंड पे जाके ढंग से देखने को ही करता हूँ। ओ नो गाइस, ये क्या हो रहा है? फाइनली हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया, बहुत ही हजारों सालों से हम तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तुम इतने सालों से हमसे बचते जा रहे थे। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ओ नो गाइस, ये क्या हो रहा है? अरे देखो तो सर यहाँ पे कितनी सारी पुलिस की बोट्स आ गई है, और यहाँ पे तो है ना 2-2 मिलिट्री की सबमरीन भी आ गई है, यहाँ पे टैंक्स भी है। तुम हल्क शार्क की फैमिली हमसे बचने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते थे ना, देखो अब हमने तुमको पकड़ लिया है, तुम में सब कोई भी नहीं बचेगा, पूरी फैमिली को हम अलग अलग जगह लेके जाएंगे, तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुम्हें बेच देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे ज्यादा जबान में चला गोल्डन शार्क, तू होगा सख्त अपने घर पे, यहाँ पे देख रहा है इतने सारे पुलिस वाले मिलिट्री वाले लाके रखे, एक ऑर्डर दूंगा सब जन तुझे बंदूक की गोली से उड़ा देंगे और उनसे नहीं मरेगा, तो 3-3 टैंक देख रहा है, टैंक से तेरे ऊपर बरसात कर दूंगा, अगर उनसे भी नहीं मरेगा तो इतनी सारी मिलिट्री की बोट्स खड़ी है, इनके ऊपर देख कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें लगी हुई है, ये बंदूकों से तुझे उड़ा दूंगा, और इनसे भी नहीं मरेगा तो ये सबमरीन देख रहा है इसमें न्यूक्लियर भी है, इससे तेरा खात्मा कर दूंगा मैं, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, पूरी जिंदगी हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओह नो गाइस, अब मैं क्या करूं यार, ये देखो इन लोगों ने तो मेरी पूरी फैमिली को है ना बंदी बनाने की पूरी वो कर ली है। चलो जल्दी से इन सब लोगों को बोट में भरो, फिर यार हम सब यहाँ से गायब हो जाएंगे, किसी को भी नहीं पता चलेगा क्या हुआ। चलो एरिया की एक और बार छानबीन कर लेते हैं, एक सेकेंड ये सामने कौन है? अरे गाइस ये मुझे देख पा रहे क्या? अरे ये तो देखो एक और हल्क शार्क जैसा लग रहा है, ये हमसे बच के दूसरे आइलैंड पे कैसे गया? मिलिट्री वाले इन पे हमला करो, मैं भी इस पे गोलियां मार रहा। अरे बाप रे, मेरे पे गोलियां चला रहे। अरे बेटा भाग भाग यहाँ से भाग, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है, तुझे हमें बचाना पड़ेगा। अरे हाँ भैया भागो भागो। ओए पुत्र जी भाग यार, तू भाग। ये फ्रैंकलिन कुछ नहीं कर पाएगा, हम सब खत्म हो चुके। नहीं फ्रैंकलिन बेटा, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, यहाँ से भाग जा, हमें बचाने की कोशिश करना, भागने के बाद ये मिलिट्री वाले वरना हमें मार डालेंगे। अरे बिल्कुल नहीं बचेगा, मारो मारो मारो, मैं टैंक में बैठ के इसको फोड़ूंगा। नहीं 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 गाइस, यहाँ से भागना पड़ेगा, वो टैंक मेरे ऊपर आना हमला करने लगेगा। गाइस पर अब मैं क्या करूँ यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो सिर्फ ये शार्क का मास्क पहन रखा है, मैं असली शार्क थोड़ी हूँ।
अरे बेटा नहीं, तू है असली शार्क, अपने अंदर की शक्तियों को है ना बढ़ाने की कोशिश करना और हमें बचाना। अरे हाँ पूरी कोशिश करूंगा गाइस, पर अभी के लिए तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। आई डोंट नो यार मैं क्या करूंगा। ये फ्रैंकलिन का बच्चा कुछ काम का नहीं है, यही गद्दार ने सब इंसानों को यहाँ पे बुलाया होगा। अरे गाइस देखो, ये मेरे अंकल तो मेरे ऊपर दोष डाल रहे, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें तो पता है मैं तो बाजार से सामान लेने गया था। मैं मेरे मम्मी पापा को क्यों बिट्रे करूंगा यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं गाइस यार, अभी देखो मैं मिलिट्री वालों से तो बच के आ गया। वो एक बच्चा भाग गया है शार्क का, उसको हम ढूंढ के ही मानेंगे। अरे देखो ये लोग तो अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए, पर आई थिंक यार मैं इनफ दूर आ गया, ये लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो गाइस यार अब मुझे यहीं पे कहीं पे है ना खुद का बसेरा बनाना पड़ेगा और खुद की पावर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये देखो यार मेरे चारों फैमिली मेंबर्स की यहाँ पे फोटो आ चुकी है, मुझे कुछ भी करके इनकी जान बचानी पड़ेगी और इनको रेस्क्यू करना पड़ेगा, पर इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होना पड़ेगा। चलो गाइस यार अभी से मेरी जर्नी शुरू करता हूँ खुद को स्ट्रांग और पावरफुल बनाने की। तो गाइस तुम लोगों ने मुझे पहचाना क्या? नहीं पहचाना होगा, मैं बोलना चाहता हूँ मैं फ्रैंकलिन हूँ। जी हाँ गाइस देखो यार, फाइनली इतनी सारी मेहनत करने के बाद मैंने खुद को एक हल्क शार्क में अपग्रेड करने में सक्सेसफुल हो गया हूँ। मेरे पास अब पावर्स आ चुके हैं कि मैं मेरी पूरी फैमिली को बचा पाऊँ। बहुत ही ज्यादा टाइम लगा मुझे ये चीज करने में, पर फाइनली अब देखो यार जब मैं पानी में जाता हूँ ना तब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आती, और मेरे आजू बाजू देखो यार इतनी सारी शार्क्स भी घूमती है क्योंकि ये मुझे अपने जैसा एक जैसा समझती है। फ्रैंकलिन भैया कहाँ गए थे? अरे बंदर की टोकरी में खेल रहा था गाइस। फ्रैंकलिन भैया अब समय आ चुका है कि तुम अपनी फैमिली को बचाने जाओ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। अरे हाँ हाँ मुझे पता यार मैं इनफ स्ट्रांग हो गया हूँ, मैं तुम लोगों को बस बाय बोलने आया था। फ्रैंकलिन भैया अपनी फैमिली को बचा के लेकर आओ, हम सब उन्हें मिस करते हैं, हम सारी शार्क्स हल्क शार्क्स को मिस करती है। अरे हाँ मुझे पता है गाइस, ये देखो ये मेरी नई शार्क फैमिली है, मतलब मेरी तीसरी फैमिली है। अभी नॉर्मल शार्क है, ये कोई हल्क शार्क्स नहीं है, मैं एक अकेला हल्क शार्क बचा हूँ यहाँ पे, पर अब बहुत देर तक ऐसा नहीं रहने वाला, मैं मेरी फैमिली को बचाने जा रहा हूँ। लेट्स गो गाइस। देखो यार मेरे पास भी है ना शार्क की जैसी खतरनाक फुल स्पीड वाली स्विमिंग की पावर्स आ गई है। फ्रैंकलिन या तुसी तो ग्रेट हो, लेट्स गो। अरे हाँ चलो गाइस चलते हैं जल्दी से यहाँ पे फुल स्पीड में। मैंने मेरी पूरी चारों पांचों फैमिली मेंबर्स की लोकेशन भी पता लगा ली है। एक फैमिली मेंबर है जो मेरा सबसे पहले मतलब मेरी सबसे प्यारी मम्मी, उनको है ना यहाँ पे फोर्ट ज़ेनकुडो में मिलिट्री बेस पे पकड़ के रखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा मेरा शायद छोटा भाई है ना, उसको यहाँ पे है ना सीक्रेट है ना मिलिट्री की टेस्टिंग फैसिलिटी में पकड़ रखा है। उसके बाद शायद से जो मेरे पापा जी थे उनको यहाँ पे है ना अमीरों की कॉलोनी में है ना ऐसे सर्कस के जानवर की तरह बेच दिया गया। और जो मेरे अंकल थे जो सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करते थे उनको भी है ना किसी सर्कस से बेच दिया गया, और है ना मुझे उनको बचाने के लिए कंपटीशन जीतना पड़ेगा। इन चारों को भी गाइस मैं बचा के रहूंगा, डोंट वरी, पर मैं सबसे पहले जाके मेरी प्यारी मम्मी को बचाऊंगा, फिर मेरे प्यारे भाई को बचाऊंगा, फिर पापा जी को बचाऊंगा, और भले ही मेरे अंकल मुझसे प्यार नहीं करते मैं उनको ही बचाऊंगा। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। देखो गाइस अब तुम सोच रहे होगे कि फ्रैंकलिन भाई तुम तो एक शार्क हो यार, तुम ये मिलिट्री बेस के अंदर कैसे घुसोगे? गाइस देखो ये सामने मिलिट्री बेस है, उसका टावर वावर तुम्हें दिख रहे होंगे ना, और ये देखो यहाँ पे हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर भी जा रहे, तुम चिंता मत करो मैंने सब सेटिंग कर ली है। अरे भैया जी जो तुमसे चीज मंगवाई थी आ गई क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया आ गई है, तुम जो हमें फल फ्रूट इतने टाइम से लाके लाते हो फ्रेश फ्रेश, उसको बेच के मैंने बहुत पैसे कमा लिए, तुम्हारे लिए इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। तो गाइस देखो यार यहाँ पे मैंने बहुत सारे अच्छे जनों से रिलेशन बना लिए, ये है क्या वो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया यही है। गाइस ये देखो यार यहाँ पे है ना इसने मेरे लिए एक बाइक मंगवा ली है, स्पोर्ट्स बाइक है KTM 690, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब तुम सोच रहे होंगे ना कि इस बाइक से मैं क्या करूंगा, ये देखो गाइस मैं बताता हूँ कि इस बाइक का इस्तेमाल करके मैं कैसे मिलिट्री बेस में घुसूंगा। जाओ फ्रैंकलिन भैया अपनी फैमिली को बचा के आओ। हाँ 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 ये देखो गाइस यहाँ पे फुल जंप करके मैं यहाँ पे साइड वाले एरिया में आ चुका हूँ मिलिट्री बेस के। अब यार मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यार यहाँ पे है ना अभी तो मेरे पास कोई हथियार वथियार कुछ नहीं है गाइस, और ना ही मेरे पास है ना यहाँ पे पानी है कि मैं मेरी शार्क्स की पावर इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि जो मेरी शार्क्स की पावर है वो मैं सिर्फ पानी के अंदर ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे है ना यहाँ पे सबसे पहले एक सोल्जर को मार के उसका हथियार लेना पड़ेगा। अभी देखते यार यहाँ पे सब जगह है ना सोल्जर्स भरे ही पड़े होंगे, रुको यहाँ पे से देखता हूँ। एक सेकंड गाइस यहाँ पे देखो यार ये रहा। अरे यार कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, ये सारी हल्क शार्क को बॉस लोग किडनैप करके तो आ गए पर इनका ध्यान हमको रखना पड़ता है। पर ठीक है मेरे पास इतनी खतरनाक बंदूक है तो कोई ज्यादा लोड नहीं आता। मेरी फैमिली वालों को इन्होंने किडनैप करके रखा है पर बहुत देर के लिए नहीं है। देखो यार मुझे इसको मारने के लिए है ना इसके पीछे जाना पड़ेगा, वरना ये अपनी बंदूक से मुझे मार देगा और अलार्म भी बजा देगा। पर देखो गाइस लकीली इसके पीछे देखो
कोई पानी की टंकी है और ये पानी की टंकी के ऊपर जाने के लिए मुझे बस ये वाले फ्लैट के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। फ्लैट तो नहीं, आई मीन बड़ी सी है ना जो बिल्डिंग है उसके ऊपर। एक काम करता हूँ, यहाँ पे जंप मार के यहाँ पे चढ़ जाता हूँ। ओके ओके ओके, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। अब यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता हूँ, फिर इसके पीछे जाऊंगा, इसके ऊपर है ना असैसिन्स क्रीड जैसे हमला करूंगा और इसकी ढाई ढाई कर दूंगा। मेरे पास देखो गाइस अभी एक भी वेपन नहीं है, सब कुछ खाली है, क्योंकि भाई मैं तो एक शार्क हूँ, शार्क के तो दांत ही उसके असली वेपन होते हैं। ये देखो यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ पे जाऊंगा और ये स्लाइड करता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ले, अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ कर दी। अरे ये कौन आ गया, तेरी ऐसी तैसी, मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। अरे तू मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले ये ले ये ले, बम पे लात, बम पे लात, बम पे लात, बम पे लात। अरे बाबा रे, इतनी बम पे लात का है मार रहा है, बम पे लात मारना बुरी बात होती है। अरे कोई बुरी बात नहीं होती भाई, ये देखो मैंने इसको तो मार के बेहोश कर दिया और इसकी बंदूक मेरे पास आ गई है। अभी देखो थोड़ी गोलियां कम है, पर जैसे जैसे मैं मिलिट्री वालों पर अटैक करूंगा ना, वैसे वैसे यार है ना मेरे को पता चलते जाएगा। चलो चलो चलो, वो मिलिट्री वाले है ना हल्क शार्क का ट्रांसपोर्टेशन करना है, जल्दी जल्दी से उसको हेलीकॉप्टर में लोडिंग करो। यार क्या हेलीकॉप्टर में लोडिंग करो, मेरी फैमिली वालों को है ना ट्रांसपोर्ट करने की प्रिपरेशन कर रही है लोग तो। एक सेकंड गाइस, अरे मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। अरे ये तो मेरी मम्मी रे। अरे आंटी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी टेस्टिंग फैसिलिटी में, तुमको ट्रांसपोर्ट कर रहे, तुम्हें वहाँ पे टॉर्चर करेंगे। गाइस मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मम्मी मैं आ गया। अरे कौन है, मेरा छोटा वाला बेटा है क्या? अरे छोटा वाला बेटा नहीं, आपका दूसरा वाला बेटा फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन बेटा तो फाइनली एक शार्क बन गया। अरे हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया। अरे हमला करो, ये फ्रैंकलिन के बच्चे पे हमला करो, ये अपनी मम्मी को बचाने आया है। अरे हाँ मम्मी को बचाऊंगा मैं, सारी तुम्हारी देखो प्लेन फोड़ दूंगा, सब कुछ फोड़ दूंगा। बेटा थैंक यू, तू मुझे बचाने आ गया, मुझे तो लगा था तू मेरे बारे में भूल गया। अरे कैसे भूल जाऊँ, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, ये मिलिट्री वाले तेरी ऐसी तैसी, इधर आ, तेरे को तो मैं यहाँ पे हवा में फेंकूंगा बॉलिंग बॉल की तरह। और कहाँ पे मिलिट्री वाले, यहाँ पे भी देखो एक रेड डॉट आ रहा है, ये रहा तेरी ऐसी तैसी। और ये फ्रैंकलिन तो क्रेजी हो गया है, इतनी ज्यादा शक्ति कैसे आई। इसको भी पकड़ो, हम इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ तुम्हें तो सब लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने है ना, ये देखो ये फेंका और ये दूसरे को भी फेंका और ये ले तेरे को भी ऐसी तैसी। और ये तो हम सबको बॉल की तरह उठा उठा के फेंक रहा है। फेंको बेटा फ्रैंकलिन, फेंको जल्दी इनको फेंको। अरे हाँ मम्मी आप यहाँ से भागो भागो। अरे हाँ बेटा मैं तो भाग ही रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तो मिलिट्री बेस से बाहर भी निकल गई, अब सेफ भी हो गई हूँ, पर अब तुझे अपने भाई को नेक्स्ट बचाने जाना पड़ेगा। अरे हाँ उसकी चिंता मत करो, मैं उनको तो बचाने जाऊंगा, पर पहले है ना मैं ये सारे मिलिट्री वालों को तो मजा चखाओ। अरे बेटा नहीं, अपने पास समय नहीं है, तू मिलिट्री वालों पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर। अरे क्यों ना वेस्ट करूं, ये लोग आपको किडनैप करके लेके चले गए, मेरी दूसरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने, पैसा नहीं होने दूंगा। मैंने वादा किया था जब ये मिलिट्री वाले मेरे हाथ में आएंगे तो मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बेटे तेरी बात सही है, तेरे छोटे भाई के ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुझे उसको बचाने जाना पड़ेगा। हाँ हाँ जाता हूँ, बस रुको ये मिलिट्री को थोड़ा सा माने दो। टैंक भी लेकर आ गए ये लोग। ये ले तुम्हारी टैंक की ऐसी तैसी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले। अरे बेटा तू तो सच्ची में बहुत स्ट्रांग हो गया, तू टैंक से ऐसी लड़ाई कर रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। हाँ 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 ऐसे ही करूंगा मैं, सोचो अभी तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं तुझे मेरी और भी शक्तियाँ दे रही हूँ। क्या तुम मुझे और भी शक्तियाँ दे रही हो? हाँ ये ले। अरे क्या हो गया, ओह माय गॉड गाइस, ये देखो मैं तो एक प्रॉपर हल्क शार्क बन चुका हूँ। अरे भागो, ये तो फ्रैंकलिन तो क्रेजी कर देगा, अब इसके पास तो प्रॉपर हल्क शार्क की पावर्स आ चुकी है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, प्रॉपर हल्क शार्क की पावर आ गई, तुम सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। ये लो यार। बस बेटा बस, मैं तो बच के भाग गई हूँ, मैंने तुझे पावर्स भी दे दी है, अब तुझे अपने भाई पापा और अंकल को बचाना है। अरे हाँ हाँ सबको बचा लूंगा मैं, सबको बचा लूंगा। ठीक है चलो गाइस, ये देखो मिलिट्री वालों पे तो मैंने काफी कहर मचा दिया है, अभी देखो मुझे यहाँ से जाना है ये सारे मिलिट्री वालों को इग्नोर करके, ये वाले यहाँ पे सीक्रेट मिलिट्री बेस तक। एक सेकंड गाइस, पर यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या है, यहाँ पे देखो ये रॉकेट लॉन्चर वाले थोड़े से लोग है, मुझे इनको तो मारना ही पड़ेगा, यही वो लोग थे जिन्होंने उनको किडनैप किया था। अरे फ्रैंकलिन कहीं दिख मत जाना, छोड़ेंगे नहीं तुझे। अरे तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये लो ये रॉकेट लॉन्चर वाले अंकल कहाँ पे, यही है यही मेरे पे मार रहे, ये ले रॉकेट लॉन्चर वाले अंकल ये। अरे ठीक है मिलिट्री वाले माफी मांगते हैं फ्रैंकलिन, प्लीज हमारे ऊपर हमला करना बंद करो। ठीक है यार गाइस, अभी मिलिट्री वालों ने माफी भी मार दी और रॉकेट लॉन्चर वाले अंकल को भी मार दिया। अरे ये दूसरा एक रॉकेट लॉन्चर वाला अंकल है, तुम्हारी ऐसी तैसी, इधर आओ, ये फेंक के मारा। अरे बेटा बस बस कर यार, इतना गुस्सा सही नहीं है, जाके अपने भाई को बचा। ओके ओके ठीक है मम्मी जी। ये देखो गाइस यार, मैंने मेरी मम्मी को बचाया तो यार उनका तो है ना यहाँ पे कलर चेंज हो गया, मतलब उनकी फोटो का, क्योंकि अब मैंने उनको सेव कर लिया। और देखो यार मेरे को, मैंने उनको सेव किया तो मेरी पावर भी बढ़ गई। बेटा तू
अपनी फैमिली को बचाएगा तो सब लोग तुझे हल्क की फैमिली में एक्सेप्ट कर लेंगे और तू अच्छे से अडॉप्ट हो जाएगा। अभी तक सिर्फ मैं और तेरा छोटा भाई तुझसे प्यार करते थे, जब तू पूरी फैमिली को बचा लेगा तो सब जन तुझसे प्यार करने लगेंगे। अरे हाँ गाइस, ये भी सही बात है यार, अभी तक है ना सब लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे, अब जैसे देखो मैं स्ट्रॉन्ग भी बन चुका, हल्क शार्क भी बन चुका और मैं अपनी फैमिली को बचा लूंगा तो फिर सब जन मुझसे प्यार करेंगे। चलो गाइस लेट्स गो यार, मुझे जल्दी से मेरे भाई को बचाने जाना है, उसका रास्ता भी बहुत ज्यादा दूर नहीं और ये पुलिस को भी अभी मैंने चकमा दे दिया, ये मिलिट्री वाले मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे थे पर इनको भी मैंने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। बेटा पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया, तू तो बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा निकला मेरा प्यारा बच्चा। अरे यार वो तो मैं हुई, तो चलो गाइस लेट्स गो। ओके गाइस ये देखो यार मैं दौड़ता दौड़ता यहाँ पे है ना मिलिट्री की सीक्रेट बेस तक ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूँ। यहाँ पे पर देखो यार मैंने मिलिट्री बेस पे हमला कर दिया था ना, इसके लिए यहाँ पे देखो ये क्या हो चुका यार, मिलिट्री वालों ने तो फुल जेड प्लस सिक्योरिटी बुला ली है, सब जगह सिक्योरिटी सिक्योरिटी हो गई। पर गाइस देखो एक अच्छी चीज बताओ, वहाँ पे है ना मैंने बहुत सारे सोल्जर्स की बहुत सारी बंदूकें उठा ली है यार। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं ये वाली स्नाइपर राइफल निकालता हूँ, इसके ऊपर देखो थर्मल स्कोप भी लगा हुआ है तो देखो अपने को पता चलेगा कितनी सारे सिक्योरिटी वाले बुला लिए इन लोगों ने। ये देखो यार यहाँ पे 1 2 3 4 इतने सिक्योरिटी वाले, ये पूरे ट्रक भर के सिक्योरिटी वाले आए और यहाँ पे देखो सब जगह सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। इतने सारे जनों पे तो मैं हमला नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यार इनको पता है कि मैं आ रहा हूँ। मिलिट्री बेस पे तो मेरे पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, मतलब उनको पता नहीं था कि मैं उन पर अटैक करने आ रहा हूँ, पर यहाँ पे मेरे छोटे भाई को मुझे बचाने आना है, इसमें तो थोड़ी तकलीफ होगी यार क्योंकि यार इन लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। अरे वो फ्रैंकलिन का बच्चा यहाँ पे हम पे हमला करने आने वाला है, डोंट वरी हम पूरी तरह से रेडी है। अरे ये देखो यहाँ पे तो मेरी बात चल रही है, ये देखो यहाँ पे ये सब जन मीटिंग कर रहे हैं। फ्रैंकलिन यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, हम लोगों का नाम खराब हो जाएगा, हम जेड प्लस सिक्योरिटी है, शार्क हल्क को मारने वाली बंदूकें भी दे रखी है सबको। ओह नो गाइस देखो ये तो उल्टा पुल्टा काम हो रहा है सब, अभी मैं क्या करूँ, रुको मेरे को थर्मल स्कोप से देखने दो यार। रे बाप गाइस देखो सब जगह सिक्योरिटी वाले, इन सब लोगों के पास हल्क शार्क को मारने वाली बंदूक है और यहाँ पे देखो मिलिट्री वाले पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं मेन रोड पे, तो मैं वहां से तो ना अंदर घुस ही नहीं पाऊंगा क्योंकि देखो ये मेन रोड पे पेट्रोलिंग चल रही है, वहां से गाड़ी ऐसे जाती है ऐसे आती है और यहाँ पे इतने सारे ट्रक व्रक भरे हुए यार। एक्सपेरिमेंट भी कम्प्लीट होने वाला है बहुत ही जल्द, उसका शार्क भाई को तो हम बहुत ही जल्द खत्म कर देंगे, फिर फ्रैंकलिन बचाएगा किसको। ओह नो मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। अरे बेटा मैं तुझे एक सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में बताती हूँ। अरे मम्मी आपको कोई सीक्रेट एंट्रेंस पता है क्या? अरे हाँ बेटा सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में मुझे पता है, पर बच के जाना कोई तुझे वहाँ पे घुसते हुए देख ना ले। हाँ गाइस देखो सच्ची में देखो यार यहाँ पे पीछे की तरफ तो थोड़ी कम सिक्योरिटी है क्योंकि उनको लग रहा है मैं आगे से अटैक करूंगा, तो फिर यार ये तो थोड़ा सा मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया। ठीक है चलो आगे से चलता हूँ। मम्मी जी बताओ सीक्रेट एंट्रेंस का है? बेटा ये देख यहाँ पे पीछे है ना गटर का इलाका है, यहाँ पे मेरे शार्क भाई बहनों ने मुझे बताया था कि यहाँ पे सीक्रेट मिलिट्री बेस में घुसने का है ना गटर का इलाका है, मतलब वो ऐसे तो सिर्फ गटर है, वहाँ पे सिर्फ है ना सीक्रेट मिलिट्री बेस का सारा कचरा बाहर आता है और ओशन में जाता है, पर अपने लोग उसका इस्तेमाल करके अंदर भी जा सकते हैं। अरे हाँ हाँ मैं समझ गया गाइस, ये तो सिर्फ ड्रेनेज का पाइप है, मतलब वहाँ से तो सिर्फ है ना गंदगी बाहर आती है और कोई भी इंसान ने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा ना कि वहाँ से अंदर भी घुस सकते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज्यादा देर तक नीचे सांस रोकनी पड़ती है। पर मैं तो एक हल्क शार्क बन चुका हूँ, मैं तो है ना जितनी चाहे देर उतनी देर जमीन के नीचे रह सकता हूँ, बस मुझे देखना है कि वो टनल कहाँ पे है। हाँ यहीं पे कहीं पे होना था, मम्मी ने लोकेशन तो यहीं की बताई थी मुझे, कहाँ गया एक सेकंड ये रहा क्या यहीं पे है क्या? अरे हाँ बेटा यही है, देखो यहाँ पे तो है ना सिर्फ जाली लगी हुई है, वो जाली तुझे काटनी पड़ेगी अपने दांत से पर पहले। अरे उसकी चिंता मत करो मैं इसको काट दूंगा। ओके ओके गाइस ये देखो मैंने जाली यहाँ पे काट दी है तो फिर मैं यहाँ पे अंदर घुस गया हूँ, अब बस यहाँ पे मुझे स्विमिंग करके जाना है भाई, ये टनल इतना ज्यादा बड़ा है। अच्छा है गाइस मैं तो एक हल्क शार्क बन गया, अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन होता जिसने सिर्फ है ना शार्क का मास्क पहन रखा है तो मैं कभी इतना है ना स्विमिंग करके अंदर आ ही नहीं पाता। हाँ बेटा तूने अच्छा तो किया, तूने अपनी पावर्स बढ़ाई। अरे मैंने अपनी पावर्स अपनी फैमिली के बढ़ लिए बढ़ाई है मम्मी, और किसी के लिए नहीं बढ़ाई है। चलो गाइस जल्दी जल्दी से फुल स्पीड में यहाँ पे आगे जाता हूँ, देखो मैं तो पूरा एक शार्क की तरह स्विमिंग करने लगा हूँ यार यहाँ पे। चलो 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 जाते आगे जाते यार, ये तो देखो कितनी बड़ी वो है। बेटा जल्दी कर जल्दी, तू इतना धीमे धीमे स्विमिंग करेगा तो फिर तेरे छोटे भाई को मार देंगे, मेरे बेटे को मार देंगे वो। अरे नहीं 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 मैं ऐसे नहीं हो दूंगा, चिंता मत करो यार, मुझे पता है तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो स्विमिंग कर रहा हूँ पर बहुत ज्यादा स्लो स्विमिंग नहीं कर रहा यार, काफी ज्यादा फास्ट ही जा रहा हूँ मैं। ये देखो गाइस मैंने है ना मेरी शार्क का विजन ऑन कर दिया, जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे स्विमिंग करके आगे जाता हूँ। अभी देखो यार मेरी स्विमिंग की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि है ना मैं एक प्रॉपर शार्क मोड में आ गया। अरे हाँ बेटा प्रॉपर शार्क मोड में आ गया, ये देख तू तो यहाँ पे पहुंच भी गया एंडिंग तक इतना जल्दी से। हाँ 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 पहुंच गया। और ये देखो गाइस मेरे शार्क के सेंसेस मुझे बता रहे, ये देखो यार जितने भी यहाँ पे डॉट्स है ना ये सारे इंसान है जो मेरे को मारने की कोशिश करेंगे, पर मुझे चिंता नहीं है गाइस, मेरे पास सिर्फ एक शार्क की पावर नहीं, अब मेरे पास एक हल्की भी पावर है तो जब मैं पानी से निकलूंगा तभी भी मेरे पास पावर तो रहेगी। चलो 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 यहाँ पे मैं जाता हूँ। अरे पानी ना ज्यादा दूर है, ओके कोई बात नहीं,
यार अच्छा शार्कू यहाँ पे मैं आ गया हूँ, चलो 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 जाते गाइस। अरे बाप रे, इन लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है? अरे यहाँ पे तो देखो कोई भी सिक्योरिटी विक्योरिटी कुछ है ही नहीं, इनको तो लगता ही नहीं ना कि यहाँ से कोई अंदर आ सकता है। चलो दरवाजा खोल के अंदर जाता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं मेरी कुल्हाड़ी निकाल लेता हूँ। ये कुल्हाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये कुल्हाड़ी से मैं ऐसे करके हमला करूंगा और जो भी सामने आएगा उसको मार दूंगा। ये कुल्हाड़ी तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। चलो 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 देखते हैं यहाँ पे कौन है। अरे गाइस यहाँ पे देखो एक साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है ना लिफ्ट बुला रहा है। अरे चलो यार एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना है मुझे वो बेबी शार्क के ऊपर, जल्दी जल्दी लिफ्ट क्यों नहीं आ रही यार, सेकंड फ्लोर पे जाना है -2 पे। ओके गाइस मैं समझ गया इसको कहाँ जाना है, तेरी ऐसी तैसी है। ये कौन आ गया, कौन मेरे को मार रहा है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अरे कोई सिक्योरिटी फिक्योरिटी कुछ नहीं। हाँ गाइस देखो इसने क्या बोला था, ये -3 पे, अपने को -2 वाले फ्लोर पे जाना है। ठीक है चलो यार मैं जल्दी से लिफ्ट में चलता और ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊंगा। अरे चल चल लिफ्ट चालू हो गई। गाइस देखो मैं लिफ्ट में बहुत टाइम बाद बैठ रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। ओके आई थिंक गाइस मैं राइट फ्लोर पर आ गया। हाँ हाँ ये देखो यहाँ पे ऊपर -1 लिखा रहा है, जो दरवाजा खोलता हूँ। अरे हाँ -1 पे भी आ गया। अरे ये रहा एक और सिक्योरिटी वाला तो नहीं साइंटिस्ट है, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं गाइस, बंदूक से मारू। रुक जाओ यार एक काम करता हूँ, मैं ये वाली रे गन लेता और इससे इसको उड़ा देता। आ बाप रे मैंने खुद को उड़ा दिया। अरे कौन आ गया भाई तेरी ऐसी तैसी, तूने हमला करने की मेरे पे हिम्मत कैसे करी? अरे तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ये ले। हाँ गाइस चलो देखो मैंने इसको तो मार दिया। अब यार मेरा दूसरा हथियार भी मैं रेडी कर लेता हूँ, यहाँ पे जल्दी जल्दी से आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मिलिट्री वाले बहुत खराब है, ये साइंटिस्ट को लोगों को रखा हुआ ना ये भी बहुत खराब है। अरे हाँ बेटा ये हम पे एक्सपेरिमेंट करते थे, मेरा बहुत खून चुराया इन लोगों ने। अरे देखो तो सर यहाँ पे कैसी कैसी अजीब अजीब तरीके की मशीनें रख रखी है, यहाँ पे खून के सैंपल भी रखे हुए। कोई बात नहीं चलो आगे जाता हूँ, जहाँ पे साइंटिस्ट मिलेंगे सबको मारता जाऊंगा। ये देखो एक और साइंटिस्ट रहा, इसकी ऐसी तैसी। रुको गाइस देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ क्या, ये देखो मैं है ना यहाँ पे गोली मारूंगा ना इसको, तो इसको खाने के लिए एक शार्क आ जाएगी अभी यहाँ पे। बेटा ये पावर कैसे है? अरे मम्मी यार मेरे पास है ना ये शार्क की पावर आ चुकी, क्योंकि मैं बहुत सालों तक नॉर्मल शार्क के आसपास रहा ना। तो देखो यार मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम करके बताऊंगा। यहाँ पे कोई साइंटिस्ट है क्या? अरे ये रहा देखो ये साइंटिस्ट रहा, मैं इसको गोली मारूंगा। देखो इसको मेरे को गोली तो लगी गई और एक शार्क ने आके इसको तुरंत खा लिया। अरे बेटा ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, इससे तो जल्दी सबको रेस्क्यू कर लेगा। अरे हाँ हाँ कर ही लूंगा। ये देखो ये रहा एक और साइंटिस्ट। अरे ये दरवाजा के कारण ये बच गया। देखो मैं अंदर यहाँ पे पीछे जाऊंगा और ये दरवाजा खोलू बस। ये देखो इसको पैरों घुटनों पे मैंने गोली मारी और ये देखो यार यहाँ पे एक जमीन में से शार्क निकली और इसने उसको खा लिया। अरे ये शार्क कहाँ से आती जा रही है यार पानी के अंदर, थोड़ी ना है हम। अरे हाँ हाँ तुम पानी के अंदर नहीं, तुम लैंड पे ऊपर, तुम एक हल्क शार्क से लड़ाई कर रहे हो ना। अरे बेबी 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 डोनट। अरे भैया देखो मैं तो कितना बड़ा हो गया, तुम आ गए मुझे बचाने फाइनली। अरे हाँ हाँ आ गया। अरे मेरा छोटा भाई तो गाइस देखो कितना ज्यादा बड़ा हो गया भाई, ऑलमोस्ट मेरे जितनी साइज का हो गया। चल मेरे साथ चल यार तू। भैया इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। अरे मुझे पता है बहुत परेशान किया, पर अब परेशान होने की बारी नहीं है। देख मैंने यहाँ पे तेरा बदला ले लिया, सारे साइंटिस्ट लोगों को मार दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी सिक्योरिटी वालों को भी मार दो, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत जुर्म करे। अच्छा ऐसी बात है क्या, चल अपने पहले सेफ्टी से यहाँ पे बाहर निकल जाते, फिर है ना अपने उन लोगों को भी मजा चखेंगे। भैया चलो चलो चलो। तो गाइस देखो यार मैं ये मेरे छोटे भाई को है ना साथ में लेकर है ना यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। चल यार बच्चे बाहर आ जा। अरे पर तुम ये सिक्योरिटी वालों को मारोगे कैसे? अरे तू उसकी चिंता मत करना, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है, मम्मी को बताया। अरे हाँ हाँ बेटा मैं समझ गई, तो कौन सा वाला वेपन इस्तेमाल करने वाला? गाइस मैं मेरी शार्क गन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। हाँ मतलब वो वाली गन जिसका इस्तेमाल करके है ना मैं शार्क को समन कर सकता हूँ। क्या ऐसी कौन सी गन होती है? अरे बच्चे तू देखता जा बस, यहाँ पे देखो अपने थोड़ा सा पास चलेंगे। अभी तो यार ये लोग है ना यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि इनको अभी तक मिल चुकी होगी कि मैंने नई बेबी डोनट मतलब जो मेरा छोटा भाई है को यहाँ से बचा लिया। देखो गाइस अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन में जाऊंगा। यार देखो यहाँ पे मैं हमला करूंगा। अरे शार्क निकली कि नहीं निकली पता नहीं, ये देखो इसको मारा मैंने। आई इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये ले। ये देखो गाइस मैंने अभी इसको गोली मारी है। क्या होगा भैया कुछ भी तो नहीं हो रहा। अरे होगा होगा, देखो यार मैं अभी एक एक करके सबको गोली मारता जा रहा हूँ। और ये देखो क्रोकोडाइल्स निकले। अरे वाह वाह भैया क्रोकोडाइल निकल के मार रहे इनको तो। अरे हाँ सबको क्रोकोडाइल निकल के मारेंगे और खा जाएंगे। अरे फ्रैंकलिन हमने वादा किया था ना कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये देखो हम इन सब लोगों को निकल के खा जाएंगे, जिन लोगों ने भी हमारे ऊपर अत्याचार करे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे हाँ हाँ गाइस ये देखो और यहाँ पे तो कितने सारे क्रोकोडाइल्स निकलते जा रहे, एक एक करके जमीन में से निकलते मैजिकली और सबको खा जाते। अरे भागो भागो, ये फ्रैंकलिन तो कैसी मायावी शक्तियां लेकर आया भाई, हमको पता था कि हल्क शार्क स्ट्रांग होते पर इतने भी ज्यादा स्ट्रांग होते ऐसा नहीं पता था, यहाँ पे तो कितने तरह तरह के क्रोकोडाइल निकल के आ रहे और हम सबको खा जाएंगे। अरे देखो क्रोकोडाइल निकलते ही जा रहे हैं, भागो भागो। ये वाह बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। फ्रैंकलिन भैया ये देखो तुमने मेरा बदला पूरा किया,
इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी सी मेरी पावर देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू तो मेरा छोटा भाई है, तुझे मुझे पावर देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, छोटा भाई हूँ भले, पर मैं तुम्हें पावर देना चाहता हूँ, ये लो तुम्हारी नई पावर। अरे 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 गाइस, एक सेकंड, ये देखो ये क्या हो गया। अरे यार, मैं तो है ना मेरे पापा जैसा दिखने लग गया। हाँ देखो, मैंने ये पावर को मेरे छुपा के रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था साइंटिस्ट लोगों को पता चले कि मेरे पास पापा जैसी पावर आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बदले पापा जैसे दिखो जब तुम पापा को बचाने जाओ। अरे वाह 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 गाइस, बहुत ही बढ़िया काम हो गया। देखो यार, ये जो बेबी शार्क था ये तो हमेशा अपने पापा जैसा दिखने वाला था, पर मैं है ना इसके पापा ने अपने पापा जैसा नहीं दिख सकता था कभी भी, क्योंकि मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ ना, अडॉप्टेड बेटा हूँ। नहीं 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 फ्रैंकलिन बेटा, ऐसे मत बोल, तू तो असली बेटे से भी ज्यादा अच्छा है। अब जा अपने पापा जी को बचा के आ, उनको है ना यहाँ पे किसी ने कैदी बना के रख रखा है, अमीरों को घर में कोई गैंग वाले मेंबर ने, कि चारों पांचों घरों को ढूंढ और यहाँ पे देख तेरे पापा कहाँ पे इनमें से। अरे हाँ, चिंता मत करो, अब तो मैं उनके जैसा दिखने भी लगा हूँ। मैं अब नेक्स्ट पापा को बचाऊंगा, फिर वो भी मुझे प्यार करने लगेंगे, और उसके बाद अंकल को बचाऊंगा, वो भी मुझे प्यार करने लगेंगे। लेट्स गो गाइस। गाइस देखो, मैं फिर से यहाँ पे अमीरों की कॉलोनी में आ चुका भाई। यहाँ पे कुछ ना कुछ कलेश होते ही रहते। अभी देखो और यहाँ पे चार घर है, यहाँ पे है ना चारों घरों में ना बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स है, और यहाँ पे ना चारों में स्विमिंग पूल्स में है ना शार्क्स को इन लोगों ने रख रखा है। अब मुझे पता नहीं कि किसके अंदर मेरे पापा शार्क है और किसके अंदर नॉर्मल शार्क्स है, तो मुझे सारे घरों में घुस घुस के है ना इन लोगों को पहले मारना पड़ेगा, फिर इनका स्विमिंग पूल चेक करना पड़ेगा। देखो यार, ये वाला है ना चौथा नंबर का घर है, इसके बाद ये वाला जो घर है ये है ना तीसरे नंबर का घर है, ये वाला घर है ये दूसरे नंबर का घर है, और ये वाला घर है पहले नंबर का घर है। इसको सबसे अंदर पहले मैं जाऊंगा, और यहाँ पे देखो सब जगह तीन तीन सिक्योरिटी गार्ड है, ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्योंकि ये है ना गैंग वालों का वैकेशन होम है, मतलब वो लोग यहाँ पे रहते नहीं है, सिर्फ वैकेशन मनाने के लिए आते हैं। तो देखो दो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे इन लोगों ने स्विमिंग पूल के पास रख रखे, और एक छत के ऊपर रख रखा है जो सब चीजों का दायरा रखता है। यहाँ पे भी देखो सेम तरीके से रख रखा है, यहाँ पे देखो एक और दो सिक्योरिटी गार्ड स्विमिंग पूल के पास है, और यहाँ पे ऊपर रखा है जो एक दायरा रख रहा है, और यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे भी दो सिक्योरिटी गार्ड है, और तीसरा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे है यहाँ पे पता नहीं, कहीं सुस्तु करने गया होगा, पर ठीक है अपने को तो अभी यहाँ पे दो सिक्योरिटी गार्ड टरकाने। और उसके बाद देखो यहाँ पे भी जाते दो सिक्योरिटी गार्ड है, और एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे दायरा रख रहा है, पता नहीं और कहाँ पे है ना मेरे पापा कौन से नंबर के घर में, मुझे पता होता तो डायरेक्ट उधर ही चला जाता, पर मुझे पता नहीं इसके लिए मुझे सारे घरों में एक एक करके जाना पड़ेगा। पर गाइस चिंता नहीं, अभी तुम्हे पास इतने सारे हथियार है, और अगेन मैं तो वही वाली बंदूक इस्तेमाल करने वाला हूँ, मेरी क्रोकोडाइल वाली बंदूक कहाँ गई, हाँ ये वाली मेरी पिस्तल थी, इसको ऐसे मैं गोली मारूंगा। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो ऊपर दायरा लेने के लिए खड़ा है ना, मैं इसको मार देता हूँ ये करके, देखो इसको फट करके मारा। अभी देखो वहां से मेरा क्रोकोडाइल भाई निकलेगा, निकल 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 निकल, अरे शायद निकल के खा गया होगा, मैं देख नहीं पाया, कोई बात नहीं यहाँ पे मारता हूँ। अरे बाप रे भाई, मैंने तो इनको गायब ही कर दिया यहाँ पे से। चलो यार, ये लगता है मेरी कोई गन की नई पावर है कि मैं इनको गायब कर देता हूँ। यहाँ पे जल्दी से कूद के देखता, अरे बाप रे यार ये क्या हो गया। अरे तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू, तुम भी मेरी तरह एक गोल्डन शार्क हो। अरे गाइस ये तो एक नॉर्मल गोल्डन हैमर हेड शार्क है यार, मुझे इसको नहीं बचाना था, मतलब इसको बचा लिया कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरे पापा का है। अरे तुम्हारे पापा तो मुझे पता नहीं कहाँ पर है, पर इस घर में नहीं है, सामने वाला घर चेक कर लो एक बार। गाइस यार ये पहले वाले घर में नहीं है, मुझे लगा था यहीं पे पापा जी मिल जाते तो अच्छा रह जाता। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी सामने वाले घर में मैं जाता हूँ, मेरी पिस्तल रेडी रखता हूँ। ये देखो यहाँ पे जोर से जंप मारा, अभी मुझे यहाँ पे तो दो ही सिक्योरिटी गार्ड दिखे थे ना। चलो यार ये देखो पहले सिक्योरिटी वाले गार्ड के पट से इसके ऊपर हेडशॉट बजाया, अरे नहीं बराई नहीं, अरे नहीं बच गया, मर गया मर गया मर गया। देखो यहाँ पे आंटी थी इनको भी मार दिया, और ये अंकल को भी मैंने यहाँ पे मार दिया। चलो फटफट मार दिया गाइस, मेरी दूसरी गलती। अरे थैंक यू शार्क भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। ओह नो, ये भी मेरे पापा नहीं है यार, ये तो एक नॉर्मल हैमर हेड शार्क है। अरे मुझे पता है तुम्हारे पापा तीन नंबर वाले घर में है, जल्दी से वहाँ जाके अपने पापा जी को बचा लो। अरे क्या पक्का तीन नंबर वाले घर में? अरे हाँ, मैंने उनको वहीं पे देखा था, जाओ जाओ जल्दी जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, चार नंबर वाले घर में नहीं, तीन नंबर वाले घर में बोला था कि चार नंबर वाले बोला था, पता नहीं मुझे तो ध्यान नहीं है। चलो यार ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी वाला खड़ा है, यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा ज्यादा कम आवाज नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी दो सिक्योरिटी गार्ड वाले खड़े हैं ना। यहाँ पे देखो इसके पीछे जाऊंगा, चुपचाप जाऊंगा, और ये देखो इसकी बम्बे छुरी मार दी मैंने। अरे बाबा रे, किधर छुरी घुसा दी तूने, पागल आदमी कहीं का। गाइस देखो मैंने इसकी बम्बे के अंदर ही छुरी घुसा दी थी पूरी। अभी देखो इसके दोस्तों को भी पता नहीं चला, अभी मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। यहाँ पे देखो यार मेरे पापा दिख तो नहीं रहे यार, शायद अंडर वाटर होंगे, उनको पता चल गया ना मैं आ रहा हूँ। ये देखो इसका भी गला काट दिया मैंने, और देखो जिसका दोस्त है इसको भी पता नहीं था ना क्या हो रहा है इसके साथ। ये देखो मैंने इसके भी ना पहले मैंने कमर में छुरी मारी। और तो हमारे बॉस की शार्क चुराने आया है। अरे बॉस की शार्क नहीं, मैं मेरे पापा को बचाने आया। अरे ये तो नॉर्मल शार्क है, कोई हल्क शार्क नहीं है बावड़े आदमी। अरे क्या ना हल्क शार्क नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको तो मैंने मार दिया। ये देखो और ये भी एक नॉर्मल शार्क है क्या? अरे मेरे को तो बोला था यहाँ पे तीन नंबर में मेरे पापा है। अरे हाँ, यहाँ पे पहले तुम्हारे पापा जी थे फ्रैंकलिन भैया, पर उनको है ना बॉस ने चार नंबर वाले घर में अभी रिसेंटली शिफ्ट किया था, वरना वो यहीं पे थे थोड़ी देर पहले तक।
उफो गाइस देखो यार, मेरे पापा थोड़े देर तक इसी घर में थे, अगर यार मैं थोड़ा यहाँ पे पहले आ जाता तो मैं उनको बचा लेता। चलो कोई बात नहीं गाइस, यार यहाँ पे जल्दी से जाता हूँ 4 नंबर वाले घर में, यहाँ पे तो मैं सब लोगों को छुरी मार के छोड़ूंगा नहीं। ये देखो ये आंटी रही। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको छुरी मत मारो प्लीज फ्रैंकलिन, हमने तुम्हारे पापा को जान करके किडनैप नहीं किया था। अरे भले जान करके किडनैप नहीं किया था पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। अरे बापर, यहाँ पे क्या शार्क निकल के आई थी क्या? हाँ मेरे क्रोकोडाइल भाई निकल कर आए होंगे ना उनको मारने के लिए, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सब जन बहुत ज्यादा खराब हो, शार्क तो किडनैप करके रखते हो, यहाँ पे देखो क्रोकोडाइल निकला इसको भी मार दिया। चलो 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 आगे जाता हूँ, यहाँ पे देखते मेरे पापा जी दिख रहे। अरे नाचो मेरे गुनगुन तुझे पैसा मिलेगा। अरे ये देखो, हाँ ये मेरे पापा है। अरे पता नहीं कब तक यहाँ पे किडनैप होके रहना पड़ेगा। फ्रैंकलिन बेटा मुझे बचाने आ जा प्लीज। अरे हाँ हाँ पापा जी आ ही रहा, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे ये देखो यहाँ पे आंटी खड़ी है, इनको सबसे पहले मैं गला काटूंगा। अरे भागने का किसी को नहीं मिला मौका मिलने वाला। ये देखो ये अंकल तुमको पट से हेडशॉट पड़ा, ये तुम भी मरो। यहाँ पे देखो क्रोकोडाइल आ गया। अरे मेरा बेटा आ गया, क्या मेरा बेटा, मेरी शान मुझे बचाने के लिए आ गया। अरे हाँ हाँ आ गया, वो आ गया। यहाँ पे देखो मैंने सब जनों को खिलवा दिया है। अरे बेटा थैंक यू, तूने मेरी लाज बचा ली यार, और तुझे तो देख तू कितना ज्यादा बड़ा हो गया, मैं तुझे अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता अब। अरे नहीं नहीं पापा, भाग क्यों रहे हो यार, भागने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यार अपने मेरे सामने बात करो यार, इधर आओ गले मिलो मुझसे। अरे बेटा थैंक यू, तूने मेरी जान बचा ली। देख यार मैं तो समझता था तू निखट्टू बच्चा है, पर तू तो मेरे जैसा स्ट्रांग हो गया, बिल्कुल अपने पापा जी जैसा। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला मेरे पापा जी, आप इतने स्ट्रांग थे इसके लिए मैं भी स्ट्रांग हो गया। बेटा पर तुझे तुझे अपने अंकल को भी बचाने जाना पड़ेगा, मुझे पता है वो तुझसे प्यार नहीं करते, पर है ना मैं चाहता हूँ प्लीज तू उनकी मदद करने जा, वो एक कॉम्पिटिशन में प्राइस की तरह उनको कोई बेक रहा है, तू उनको जाके बचा दे प्लीज यार, तू वो कॉम्पिटिशन जीत जाए जिससे तू उनको जीत जाए और हमारी पूरी फैमिली वापस से रीयूनाइट हो जाए। अच्छा अच्छा समझ गया, वो जो मेरा अंकल है उनको कोई सर्कस वाले खरीद के लेके चले गए और एक आना कॉम्पिटिशन रखा, और जो भी वो कॉम्पिटिशन जीतेगा उसको उनको रिवॉर्ड में दे देंगे। हाँ बच्चे तुझे उनको बचाना पड़ेगा, उनको बचाने का एक ही रास्ता है, तू वहाँ पे खून खराब नहीं कर सकता, तुझे कॉम्पिटिशन ही जीतना पड़ेगा। अच्छा अच्छा डोंट वरी आई कैन डू दिस, लेट्स गो गाइज। यार मेरे को सिर्फ एक कॉम्पिटिशन ही तो जीतना है, तो मैं आराम से कर लूंगा। गाइज देखो तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और यार मैं तुम्हें एक और चीज बोलूंगा यार, कमेंट सेक्शन में तुमने अभी तक भी शार्क की इमोजी नहीं डाली है तो क्या कर रहे हो गाइज, यार जल्दी से कमेंट सेक्शन में शार्क की इमोजी डाल दो। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं मेरे अंकल जी को बचाने के लिए, लेट्स गो। गाइज फाइनली देखो मैं वो कॉम्पिटिशन में आ गया जहाँ पे ना मेरे अंकल को ऑक्शन किया जा रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे पिन को। मैंने उनको मिलिट्री से खरीदा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, काम तो गलत मिलिट्री वालों ने किया था, मैं तो सिर्फ यहाँ पे मेरा सर्कस चलाना चाहता हूँ। आजा तू भी आजा, तू अपने अंकल को बचाना चाहता है तो। हाँ बचाना चाहता हूँ ना गाइस, देखो कैसा अजीब सा सर्कस चल रहा है पता नहीं। वेलकम 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 मेरे शैतानो टू द गोल्डन सर्कस, यहाँ पे देखो एक चूहा, एक हाथी, एक इविल शार्क और एक छोटी सी टिट्टी शार्क कंपटीशन में पार्ट लेगी मेरे सर्कस के। ये देखो मस्त मैंने सर्कस बनाया है, यहाँ पे तुम्हें जो भी जीतेगा उसको रिवॉर्ड में मिलने वाला है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पूरा प्योर गोल्डन वाला हल्क शार्क। अरे मैं कोई रिवॉर्ड नहीं हूँ, जो भी मुझे जीतेगा उसे काट काट के खा जाऊंगा मैं। अरे फ्रैंकलिन तू है क्या? अरे हाँ अंकल जी मैं हूँ। अरे फ्रैंकलिन प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने इतने सालों तक तुझे प्यार नहीं किया, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ प्लीज मुझे बचा ले। फ्रैंकलिन तू अपने अंकल को बचाना चाहता है ना जेल में से, तो उसके पहले तुझे पूरा ऑब्स्टिकल रैम चैलेंज कोर्स सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर तेरे से पहले किसी और ने कर दिया तो भी तुझे तेरे अंकल नहीं मिलेंगे। अरे नहीं 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 ऐसे नहीं करना गाइस, देखते यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा। देखो हम चारों को पहले यहाँ से नीचे पैदल जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये रैम पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे से नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखो करंट लगने वाली मशीन है, अगर तुम यहाँ पे से नीचे गिरे तुम्हें करंट लगा और तुम नीचे गिर गए तो तुम पूरा टूट जाओगे। उसके बाद तुम्हें आगे जाना है और ये जंगल में से पास होना है, अभी जंगल में है ना बहुत सारे खड्डे हैं, ये देखो अगर तुम खड्डों से नीचे गिर गए तो डायरेक्ट जमीन के बाहर जाओगे और आउट हो जाओगे। अगर किसी तरह यहाँ से बच के तुम आगे आ गए तो कांच की दीवारों को तोड़ के तुम्हें आगे जाना है और एक बाइक लेनी है यहाँ से, फिर ये बाइक को तुम्हें कुदाना पड़ेगा और तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम्हें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। उसके बाद तुम्हें फटाफट आगे जाना है और सारे ऑब्स्टेकल्स को लांघते लांघते आगे जाना है और तुम पहले मेगा रैंप पे आओगे।
ये मेगा रैंप के ऊपर से तुम्हें जंप लगाना है और फिर यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे हरियाली पे से तुम्हारे ऊपर एनिमल हमला करेंगे, उसके बाद तुम्हें फिर से राइट या लेफ्ट डिसीजन लेना है। अब देखो राइट या लेफ्ट में से जो डिसीजन तुमने लिया उसके बेसिस पे तुम आगे जा पाओगे। जो राइट वाला है उसमें 3 दरवाजे पर लास्ट में कांच की बहुत बड़ी दीवार है जो तुम्हें अभी दिख रही नहीं है। लेफ्ट वाले में 4 दरवाजे पर यहाँ पे कांच की दीवार नहीं है। उसके बाद तुम्हें ये कार्डबोर्ड की दीवार को तोड़ना है और फिर यहाँ पे जंप करना है। फिर उसके बाद एक और रैंप लेना है, वो रैंप लेके तुम्हें वॉल की पूरी दीवार तोड़नी पड़ेगी। उसके बाद तुम फाइनली यहाँ पे पहुंचोगे। जो भी सबसे पहले यहाँ पे पहुंच गया उसे सर्कस के इनाम में ये गोल्डन हल्क शार्क मिल जाएगी। अरे फ्रैंकलिन प्लीज तू ही जीतना, मुझे बचा ले। अरे चमूरे समझ गए ना, तो चलो चमूरो शुरू हो जाओ, मुझे एंटरटेन करो। सबसे पहले ये गंदा सा चूहा जाएगा, नाली का सड़ा हुआ। अरे बाबा रे, नाली का सड़ा हुआ कीड़ा किसको बोल रहे हो? हम तो 3 BHK के बड़े मैंशन में रहते हैं बाबूजी, ऐसा सड़ा हुआ मत बोलो। मैं तो यहाँ पे लाल कलर के उस पे जाऊंगा, लाल कलर मेरा फेवरेट है। चलो आगे जाता हूँ। बाबूजी ये क्या हो रहा है? हमको करंट काहे लग रहा है? पता नहीं करंट काहे लग रहा है। अरे अरे फिर से करंट लग गया। अरे करंट नहीं लग रहा तो करंट वाले के ऊपर से क्यों जा रहा है? अरे पर अब तो हमको मजा आ रहा है, एक और पर करंट लगना चाहिए। बहुत मजा आ गया यार यहाँ पे, यहाँ पे हमारे घर पे तो बिजली नहीं है। पापा रे यार हम तो करंट लग के नीचे गिर गए, पर यार मजा तो बहुत आ गया। चलो कोई बात नहीं, करंट तो लगना मिल गया ना मुझे। स्मार्ट ये देखो यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे अच्छे से बच भी जाऊंगा सब चीजों से। यहाँ पे देखो ये कांच की दीवार है, इसको मैं लात मार के तोड़ भी दूंगा। ढाई चू। और यहाँ से देखो एक जंप लगा दूंगा जिससे मेरे को और कांच की दीवारों से बचना भी ना पड़े। हा, 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 हा। ये हल्क शार्क की पावर्स को मैं एब्जॉर्ब करके एक एलिफेंट हल्क शार्क बन जाऊंगा। 3-in-1 पावर्स होगी मेरे पास, 3-in-1। मैं तो यहाँ पे लेफ्ट वाले से जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। चलो यहाँ पे देखो चलते है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मेरा वजन तो बहुत ज्यादा है, मेरे को तकलीफ हो रही है उसके कारण। ये गलत है, ये बाइक अच्छी क्यों नहीं कैपेसिटी वाली बनाई? रॉयल एनफील्ड चाहिए मुझे, यहाँ पे नहीं चलेगा ऐसा। ये वाली गंदी बाइक है, मैं इससे नीचे गिर जाऊंगा। हट्टी टॉफी खाई है मैंने, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे गाइस ये देखो तो सर यार, यहाँ पे है ना ये अंकल को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इनका वजन बहुत ज्यादा है। चलो चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे से तो निकल गए। भले मेरा वजन ज्यादा है फ्रैंकलिन के बच्चे दाल रोटी कच्चे, पर जीतूंगा तो मैं। अरे एलिफेंट का तो वजन ज्यादा ही होता है, अभी देखते हैं आगे जा पाता है कि नहीं। अरे ये क्या हो गया? अरे ये पुत्तू बाइक ने तो टर्न ही नहीं किया। अरे मेरे दांत टूट जाएंगे। एक शार्क को सिर्फ एक दूसरी शार्क की जीत सकती है। अरे क्या तुम भी हमारी फैमिली में से हो क्या? हाँ बहुत सालों पहले मैं फैमिली में था, पर अब तो मैं दूसरी शार्क को खाता हूँ, बहुत मजा आती है। ये देखो मैं तो मेरा काटा लेके चल रहा हूँ, इससे तुम्हारे पापा जी के भाई को पकड़ूंगा और उनको खा जाऊंगा। आहा नम 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 करता हूँ। देखो बहुत ज्यादा पतला हो गया, बहुत टाइम से कोई हल्क शार्क नहीं खाई है ना। अरे शार्क ही शार्क को खाती है, ये तो गलत बात है। अरे मेरी तो टांगे ही नहीं है, इसको तोड़ू कैसे मैं? अरे वो तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक काम करता हूँ ना ऊपर से ऐसे करके चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, चलो 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 फुल स्पीड में चलो, यहाँ पे चलते है। अरे पैर स्लिप हो गया मेरा। अरे पर तुम मेरे अंकल जी को खाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? मजा आती है शार्क को खाने का, जो टेस्ट आता है ना और किसी एनिमल में नहीं आता, बहुत ज्यादा मजा आता है। और उनकी पावर भी तो एब्जॉर्ब हो जाती है ना, एक खून से 2 निशाने लग जाते, एक तीर से 2 निशाने लग जाते। चलो मेरा काम चिमटा लेके जा रहा हूँ मैं तो। मजा आएगा, मजा हल्क शार्क खाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इनसे तो मेरे को बचाना ही पड़ेगा। और बोटा मेरे को बचा ले वरना ये हल्क तो मुझे खा जाएगा। अरे ये तो हल्क भी नहीं है सिर्फ एक इविल शार्क है। अरे हाँ हाँ ये तो इविल शार्क, देखो कैसे बाइक चला रही है, धूम की बाइक चला रही है भाई। ये तो पैर भी इसके नीचे नहीं करे, पैर तो इसके बस है ही नहीं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अरे धूम के गाड़ी धूम का राजा, मैं तो गाड़ी बहुत तेज भगाता। अरे तू चुप रहे यार, किससे बात कर रही है यहाँ पे? ये देखो ये अंकल जी बोल रहे। अरे 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 कहाँ जा रहा है ये हल्क शार्क? ये तो कैसे बाइक चला रहा है गाइस, मुझे तो बैलेंस कैसे कर रहा है ना वही समझ नहीं आ रहा। मुझे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस तो पाव वालों को करना पड़ता है, मेरी तो टांगे ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही चला लूंगा। अरे एक सेकंड, सामने दरवाजा बंद हो गया। अरे मैंने तो शायद गलत वाला रास्ता ले लिया, यहाँ पे तो इनविजिबल कांच की दीवार है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, यहाँ पे आगे जा रहा। ए, मेरा रास्ता किसने रोका? तेरी ऐसी तैसी विंडमिल, तू मेरा रास्ता रोकता है? अरे विंडमिल कोई असली चीज थोड़ी है। क्या कर दिया? ओए इसने तो मेरे को उठा के फेंक दिया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे से जाऊंगा, कुछ भी करके हल्क शार्क को खाऊंगा मैं। खाना है मुझे हल्क शार्क को खाना है।
प्लीज पहुंचा दो। अरे अरे नहीं नहीं तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था वहां तक। नहीं ये विंडमिल ने मेरी गेम बचा डाली। अंकल जी चिंता मत करो मेरी बारी आ गई है, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन प्लीज मुझे बचा ले और मुझे माफ भी कर दे, मैंने तुझे बचपन में प्यार नहीं किया, शायद मैं तुझे ट्रेनिंग देता तू कब से पहले से हल्क शार्क बन जाता। अरे नहीं नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं यार, सब लोगों ने ट्राई किया था मुझे ट्रेनिंग देने की, मैं ही थोड़ा सा ना कच्चा रह जाता था ट्रेनिंग में। ये देखो गाइस यार यहाँ पे प्रॉपरली सब चीजें तोड़ता फोड़ता मैं आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो राइट वाला रास्ता लूंगा आपकी लेफ्ट वाला रास्ता लूंगा। देखो ये हाथी वाले भाई जो अंकल थे ना उन्होंने ना लेफ्ट वाला लिया था तो उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो एक काम करूंगा मैं तो राइट वाला ही रास्ता लूंगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन बेटा राइट वाला रास्ता ही लेना। हाँ चमुरे अच्छा सर्कस दिखा, मुझे तो सिर्फ सर्कस देखने से मतलब है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन जीते, और तुझे अपने अंकल को मारना है तो मार भी देना क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करते थे। अरे नहीं 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 ऐसा क्यों करूंगा, मेरे अंकल तो बहुत ज्यादा अच्छे यार, उन्होंने है ना मुझे है ना थोड़ा बहुत चीजें तो सिखाई थी यार, है ना ऐसा होता है ना कि फैमिली में एक जन तो डांटने वाला चाहिए होता है ना, वरना छोटे बच्चे बिगड़ जाते, तो वो अंकल हमेशा मुझे डांटते थे तो मैं शैतानी कम करता था। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन मैं तुझे थोड़ा सा ज्यादा ही डांटता था क्योंकि तू एक हल्क शार्क नहीं है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे फ्रैंकलिन भैया तुम चिंता मत करो, हम सब जन यहाँ पर आ गए, अब तुम लोग बस है ना पापा जी के भाई को बचा लो। अरे हाँ हाँ चिंता मत करो मैं उनको बचा लूंगा अंकल को। अरे फ्रैंकलिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तू मेरे भाई की जान बचा रहा है। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन क्या करेगा अब तू। अरे चिंता मत करो यार पापा जी, ये देखो मैं तो यहाँ पे मेरी बाइक को ढंग से ना बैलेंस करके वापस यहाँ पे ले आऊंगा, और देखो मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे नीचे गिर गया था ना तो मैं वापस से रिवर्स जाऊंगा जिससे ना कोई भी चीटिंग ना बोले मुझे। अरे फ्रैंकलिन तू तो कितना ज्यादा साफ दिल का यार। अरे हाँ साफ दिल का हो तो मेरा प्यारा बेटा कितना ज्यादा सीधा है, सब जन यहाँ पे पहुंच गए, फ्रैंकलिन जल्दी से है ना अंकल जी को बचा ले। अरे हाँ हाँ बचा लूंगा, यहाँ देखो ये दीवार तोड़नी है मुझे। अरे ये दीवार तो टूटी नहीं, रुको रुको गाइस यार वापस है ना मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा ऐसे नहीं टूटेगी ये। अरे मुझे तो बाइक से जाके लाके इनको ठोकना पड़ेगा। चलो ये बाइक को देखो यहाँ से रिवर्स में लेके जाता हूँ, फुल स्पीड में जाऊंगा। गाइस देखो है ना जल्दी से कमेंट सेक्शन में बाइक वाला इमोजी डाल दो क्योंकि मुझे मेरी बाइक पर फुल स्पीड चाहिए तभी वो दीवार टूटेगी, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से बाइक वाला इमोजी डाल दो। और ये उसको तोड़ तो नहीं पाया गाइस, पर देखो मैं उसके ऊपर से निकल गया, तुमने मुझे इनफ स्पीड दे दी ना इसके लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे फ्रैंकलिन बेटा बहुत पास पहुंच गया, बचा ले मुझे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया बचा लो अंकल जी को। अरे हाँ हाँ बचा लिया ये देखो यहाँ पे पहुंच गया। अरे फ्रैंकलिन बेटा थैंक यू तूने मुझे बचा लिया। अरे हाँ गाइस देखो जैसे मैं यहाँ पे आया जेल भी गायब हो गई। अरे बेटा इधर आ गले लग जा। अरे पहले तो आपके पाए लागूंगा मैं। अरे फ्रैंकलिन बेटा ये ले यार तूने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुझे मेरी सारी शक्तियाँ दे रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया। फ्रैंकलिन बेटा थैंक यू तूने मेरी जान बचाई। तो गाइस देखो ये थी मेरी स्टोरी कि कैसे मैं एक नॉर्मल छोटे से बेबी से फ्रैंकलिन में बड़ा हुआ, उसके बाद अलग अलग हल्क शार्क बना, और उसके बाद फाइनली लॉस सैंटोस का सबसे जायंट सबसे ज्यादा खतरनाक वाला पावर वाला हल्क शार्क बन गया। और इसी तरह से यहाँ पे मेरी कहानी खत्म हो जाती है, पर तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई गाइस। देखो तुम्हें जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में शार्क की इमोजी डालनी है, और ये देखो जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है इसको भी देखना है, ये बहुत अच्छा है। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें जीटी फेक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।